अगली खबर है रीवा जिले के गंगैर जनपद से। रीवा जिले में हमेशा ही अपने भ्रष्टाचार और काले कारनामे के लिए चर्चित गंगैर जनपद में एक बार फिर से गंभीर मामला प्रकाश में आया है। टेहरा ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच रघुवंश प्रसाद पांडे एवं एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर अरुण कुमार पांडे के द्वारा बताया गया कि पंचायत टेहरा में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें मृतक शासकीय सेवकों, नाबालिग लड़के लड़कियों और भूत पिशाच के नाम पर फर्जी मास्टर रोल जारी किया जाकर राशि की निकासी की गई है। मामला यही नहीं रुका और पंचायत के अन्य मनरेगा एवं पंच परमेश्वर से कराए जाने वाले कार्यों में भी एक बड़े स्तर का भ्रष्टाचार देखने को मिला, जिसकी शिकायतें अरुण पांडे और भूतपूर्व सरपंच के द्वारा की गई थी। इस मामले पर जांच भी हुई और तत्कालीन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री संभाग क्रमांक एक ढाल सिंह एवं एके जैन जांच में दोषी पाए गए और दस्तावेजों के छेड़छाड़ करने, गलत और कूट रचित तरीके से मास्टर रोल बनाने, मृतकों और भूतों के नाम पर मास्टर रोल जारी किए जाने और अपने व्यक्तिगत हित के लिए शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा मयंक अग्रवाल एवं नीलेश पारेख के द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही करते हुए पुलिस थानागढ़ में भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 420, 467, 468, 459, 471, 120 बी और 34 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 क्लॉज 1 एवं 13 क्लॉज 2 के तहत संगीन अपराधों के लिए FIR दर्ज करवाई गई। बड़ा सवाल यह था कि इतने गंभीर मामलों के बावजूद भी पुलिस ने मामले में विवेचना और जांच के नाम पर लीपापोती करने का प्रयास किया, जबकि पुलिस को इन गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों पर किसी भी प्रकार से खात्मा और खारिजी लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है और यदि कोई खात्मे की कार्यवाही होती है तो मात्र सक्षम न्यायालय के द्वारा प्राप्त ट्रायल के बाद ही वो की जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने जांच के नाम पर मामले में खात्मा भी लगाने का प्रयास किया और जब इसकी शिकायत एक बार फिर से हुई तो मामले में नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ होना बताया जा रहा है। मैं विंग कमांडर अरुण कुमार पांडे, भारतीय वायुसेना का सेवानिवृत्त अधिकारी हूं, ग्राम पंचायत टेहरा के अंतर्गत ग्राम डबडपुर का निवासी हूं। ग्राम पंचायत टेहरा में 2016 से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री के द्वारा किया गया था, जिसकी शिकायत भूतपूर्व सरपंच रघुवंश प्रसाद पांडे ग्राम टेहरा के द्वारा की गई थी। शिकायत के आधार पर दो बार जांच प्रतिवेदन सम्मिलित किया गया है, जो मुख्य कार्यपालन यंत्री एके जैन और ढाल सिंह उनके द्वारा किया गया था। शिकायतकर्ता की जो शिकायत थी अक्षरशः सत्य पाई गई थी। दोनों जांच प्रतिवेदन में मूल अभिलेख नहीं दिए गए थे तत्कालीन सचिव श्रीराम उजागर पांडे के द्वारा, और जिसकी वजह से जांच पूरी नहीं की जा सकी। कितने का घोटाला हुआ है ये कहने में अक्षम थे सारे जांच अधिकारी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी गगेव को निर्देशित किया था कि थानागढ़ में इनके विरुद्ध FIR करवाई जाए और FIR इनके खिलाफ में दर्ज कराई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 469, 471, 420 बी, 13(1)(d), 13(d), 34 ये सारी धाराएं दर्ज कराई गई हैं, जो एक संज्ञेय अपराध की धाराएं हैं, गैर जमानती धाराएं हैं। इसके अतिरिक्त माननीय लोकायुक्त महोदय भोपाल में भी 1089/2018 में एक प्रकरण दर्ज हुआ है। आज दिनांक तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है, इतना संज्ञेय अपराध के होने के बाद में भी प्रशासनिक अधिकारी कान पे तेल डाल के बैठे हुए हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध किसी तरह की ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई आगे प्रोग्रेस हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद में एक सचिव के द्वारा मूल अभिलेख नहीं प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए माननीय जिलाधिकारी ने बार बार स्मरण पत्र के द्वारा ब्लॉक के CEO को लिखा था कि उपलब्ध कराया दो दिवस के बाद। सब ने अपने अपने तरीके से बोला कि हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज दिनांक नहीं दिया, क्योंकि उसको नष्ट कर दिया गया है, सबूतों को नष्ट किया गया है सचिव एवं सरपंच के द्वारा। तो मेरा निवेदन यही है, जैसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध तत्कालीन कार्यवाही की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, दंडित किया जाए। मैं रघुवंश प्रसाद पांडे, ग्राम पंचायत टेहरा, जनपद पंचायत का गेव का निवासी। क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ है सरपंच और सचिव के द्वारा,
कि इसका जांच करने पर भी अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि मूल अभिलेख न प्राप्त होने के कारण जांच का कोई मतलब वास्तविक आंकड़ा नहीं दिया जा सकता है मेरे द्वारा। इस तारतम्य में जिला सीओ द्वारा जनपद पंचायत सीओ के माध्यम से थानागढ़ में इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें 420, 467, 468, 469, 471, 120B, 31/1D, 31/2 ऐसी धाराएं कायम की गई हैं जिनका आज तक जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज 4/5/18 मतलब कहने का कि वर्ष 18 में FIR दर्ज किया गया, 18 से 22 हो गया, 4 साल पूरे हो गए, किसी अधिकारियों के जू नहीं रेंग रहे हैं कि इसमें ऐसी ऐसी धाराएं लगी हैं जो मतलब जिनकी जमानत जो है हाई कोर्ट में होनी। इन धाराओं पर ना तो कलेक्टर साहब, ना जिला सीओ साहब, ना जनपद सीओ साहब, कोई भी ना तो SP और ना TI, ना SDO पुलिस, इन लोगों ने कोई आज तक कार्यवाही नहीं किया, उसको पेंडिंग में रखे हैं और मिलने पर ऐसा जवाब देते हैं कि लगता है कि हम 8 साल से व्यर्थ ही इनके पीछे घूम रहे हैं।